वाला मामला जो हुआ है, नैन्सी पेलोसी आई, मिल मिला के चली भी गई। आमतौर पर तूफान के पहले शांति होती थी, अब तूफान के बाद वाली शांति दिख रही है। तो आज कहीं सुर्खियों में नहीं है कि वो आई गई चला गया, पहले कल तक तो इतना डर लग रहा था, तो सर अब डरना बंद कर दें। नहीं, शुक्र है अनिल जी, कुछ हुआ नहीं। बट देखें तो जो चाइना ने ड्रिल्स शुरू किए आज सवेरे से शुरू हो रहे हैं और 7 तारीख तक रहेंगे, वो एक ब्लॉकेट हो जाता है ताइवान का। 6 तरफ से उन्होंने घेर लिया ताइवान को, और 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल 1.15 माइल के करीब होता है। तो आप सोचिए कि लगभग 20-22 किलोमीटर दूर ताइवान से उनकी जो शिप्स हैं वो पहुंची हुई हैं, एयरक्राफ्ट उनके एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं। और दोनों के बीच में ताइवान स्ट्रेट है, ताइवान एक आइलैंड है, चाइना का मेनलैंड है, और उसके बीच में जो वाटर बॉडी है ताइवान स्ट्रेट कहते हैं उसको, और आधा आधा उन्होंने बांटा हुआ था कि भाई ये मीडियन लाइन है, इसके आगे चाइनीज शिप्स ना जाएं या चाइनीज जहाज ना आए, ये ताइवान का एरिया है कंट्रोल का। उन्होंने आज कह दिया कि मीडियन लाइन कुछ नहीं है, मीडियन लाइन को हम बर्खास्त करते हैं। तो ये अनिल जी दिसंबर जैसा लग रहा है। अब ये है कि पिछले दिसंबर में आप पूछते, हम कंसिस्टेंटली कह रहे थे आवाज करेंगे, पुतिन होगा कुछ नहीं, इकोनॉमिक हार्डशिप वर्ल्ड के लिए उनके लिए बहुत है, हजारों सैनिक मारे जाएंगे, सब कुछ हुआ बट उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये डिक्टेटर्स का लॉजिक नहीं होता है, डिक्टेटर्स की सोच में ये नहीं है कि उनके सोल्जर्स मारे जाएंगे या बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक क्षति पूरी विश्व को आएगी, तो कुछ कह नहीं सकते। तैयारी उनकी पूरी है, बहुत जबरदस्त उन्होंने ब्लॉकेड आज से ताइवान का शुरू किया है, कोई शिप ताइवान के करीब नहीं जा सकती अगले 5 दिन के लिए। और वो उन्होंने पहली बारी ये बोला है कि आपके सर के ऊपर से हम मिसाइल छोड़ेंगे। तो मिसाइलें चाइना की जो टेस्ट फायरिंग कहने को है वो ताइवान के आइलैंड के ऊपर से जाके फिर समुन्द्र में गिरेंगी दूसरी तरफ। तो ये खतरा टला नहीं है, स्पेशली यूक्रेन को देखते हुए। अगर पिछला नवंबर दिसंबर होता हम कहते कुछ होने नहीं वाला, शांति से बैठिए, मार्केट बढ़ते रहेंगे, बट ये जो यूक्रेन करके पुतिन ने चेंज कर दिया लॉजिक दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का, उसके बाद कुछ भी संभव है। तो हमें यही देखना है कि वरी करिए मैक्रो के लिए, वरी करिए जियोपॉलिटिक्स के लिए, माइक्रो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स चुनिए, मार्केट अपवर्ड है बट ये एकदम से बदल सकता है। और ये विक्स जो कल बढ़ा है ये थोड़ा दर्शा रहा है कि चिंता है, अंडरनीथ तो चिंता है, बाकी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव मूव्स हैं। डॉलर जिस तरह गिरा, तेल जिस तरह नीचे आया, डॉलर गिरने के बावजूद तेल नीचे आया, और कल ओपेक की बैठक में भी यही बड़े मिले जुले संकेत आते हैं। ओपेक कहता है यूएस का रिसेशन आ रहा है, चाइना का कोविड लॉकडाउन है, इसलिए खपत कम हो रही है, इसलिए हम अपनी प्रोडक्शन केवल 1 लाख बैरल से बढ़ाएंगे, जहां हमें उम्मीद थी 4.5 लाख बैरल की। तो तेल बढ़ना चाहिए था बट तेल 6 महीने के कम से कम लेवल पे आ गया है, यूक्रेन से पहले वाले लेवल्स पे आ गया है। तो ओपेक को रिसेशन दिखता है, फेड को रिसेशन नहीं दिखता, अमेरिकन मार्केट को रिसेशन नहीं दिखता। कल उनके सर्विसेज के नंबर बहुत तगड़े आए, अर्निंग्स पेपैल के अच्छे नतीजे आए, तो ये देख के पूरा टेक सेक्टर भाग गया कल अमेरिका में, और बहुत तेजी से डाउ भी आगे बढ़ा। तो ये मिले जुले संकेत आ रहे हैं, रिसेशन है कि नहीं बाद में पता लगेगा, स्लो डाउन है कि नहीं, चाइना कुछ करेगा ताइवान पे। अब जी जिनपिंग का बहुत फेस लॉस हुआ है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला थ्रेट दे दी थी कि दे विल बी अ वेरी मैसिव प्राइस टू पे अगर आप ताइवान का दौरा जारी रखते हैं पेलोसी का, उसके बावजूद वो गई। तो ये फेस लॉस बहुत जबरदस्त हुआ है चाइना के लिए, कहीं ना कहीं ये कुछ तो करेंगे, या तो पिंच करेंगे या बड़ा कुछ करेंगे, ये देखना पड़ेगा। सबसे आसान उसके लिए है कि ताइवान को ही काबू में करो, ताइवान का ब्लॉकेट कर दो। तो आप जैसे रशिया ने बेलारूस में भेजी थी सेनाएं, याद हो आपको, तो बोले कि ये तो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 3 महीने एक्सरसाइज करते रहे और 24 फरवरी को अटैक कर दिया। तो क्या ये ब्लॉकेट 7 तारीख के बाद जारी रखेंगे, ये देखना पड़ेगा। तो थोड़ा मुझे लगता है इस वीक के अंत तक मार्केट्स थोड़े हो सकते हैं इसके बाद में, इसके बारे में चिंतित हो सकते हैं। मगर साहब
सबके भाषण ठीक ठाक है, मार्केट तो डर नहीं रहा है, कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? वही समझ नहीं आ रहा अनिल जी, हाँ क्योंकि जो सबसे डविश है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि स्पष्ट भाषी है, वो कुछ रिटोरिक नहीं बोलती। मेरी डेली जो सैन फ्रांसिस्को की हेड है, सैन फ्रांसिस्को फेड की प्रेसिडेंट है, जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं, मेरी डेली ने क्लियरली यही कहा कि अभी बहुत दूर है इन्फ्लेशन पे काबू पाना, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे डविश, ऐसे प्रो मार्केट वक्ता का कहना कि अभी रेट हाइक और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, इससे ज्यादातर मार्केट को डरना चाहिए था। तो यही समझ नहीं आ रहा अनिल जी, और के स्लो डाउन तो है, कल जो यूएस के आंकड़े आए सर्विसेज के तो भरपूर थे, कि लोग ऐसे रिवेंज सर्विसेज को उपभोक्ता निकल के आ रहे हैं, रिवेंज कंजम्पशन इतनी तेजी से आ रहा है सर्विसेज में। उधर दूसरी तरफ रिटेलर्स जो है, उन्होंने बहुत इन्वेंट्री बना ली थी फर्स्ट क्वार्टर में, वो बिल्कुल ब्लैक फ्राइडे ब्लैक मंडे की तरह की सेल्स कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउसेस से निकले। मर्स्क जो सबसे बड़ी आपकी शिपिंग कंपनी है दुनिया की, जिसके इतने जबरदस्त नतीजे आए हैं, और वो नॉर्मली 7-8 गुना उसकी वैल्यूएशन चलती है, 1.5 गुना चल रही है, वो यही कह रहे हैं कि वेयर हाउसेस दुनिया भर में भरते जा रहे हैं इन्वेंट्री से, खपत नहीं हो रही। तो क्या ये सप्लाई चेन बदलने जा रहे हैं कि डिमांड कम होने के कारण अब जो सप्लाई है वो काफी हो रही है, ये हमें 1-2 महीने बाद ही पता चलेगा। बट नॉर्मली ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स पे मार्केट घबराते, मार्केट्स बहुत कॉम्प्लेसेंट हैं, और हमें तो खुशी है मार्केट ऊपर जाए, लोगों के पैसे बनाए, अच्छा है। बट यही देखना पड़ेगा कि फेड जब उनकी बैठक हुई जुलाई की, उसके बाद अनिल जी 78% प्रोबेबिलिटी आ गई थी 50 बेसिस पॉइंट की, अब वो गिर के 58 पे आ गई है, 42% 42% 75 बेसिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फिर निकल के आ गई है। तो आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक है, लगता है कि वो 50 बेसिस पॉइंट करेंगे, 1995 के बाद पहली बारी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड से आएगा। ब्राजील ने आज 12वीं बारी रेट हाइक किया, टर्की का इन्फ्लेशन देखे 74% आया, वहां पे प्रेसिडेंट ने खुद सेंट्रल बैंक को काबू में कर लिया है और 12-13% का इंटरेस्ट रेट चला रहे हैं, और इन्फ्लेशन देखिए 74% क्रॉस कर गया। तो बहुत मिले जुले रुझान है, कंपनियां अच्छी कर रही हैं तो हमें इसमें निवेश करना ही है। जुलाई से मैं कह रहा हूँ 20% डाल दीजिए, भसीन साहब के जितनी तो हिम्मत मेरी बनती नहीं और ना मेरी आवाज इतनी ऊंची उठती है, बट मैं वेरी केयरफुली सोच के जुलाई में बोला था 20-25% लगा सकते हैं, निवेश करिए, बट मुझे लगता है एक झटका आने वाला है, ताइवान से आएगा या कुछ नंबर ऐसे आएंगे, और सितंबर की पॉलिसी अभी भी 45 दिन दूर है तो उसमें टाइम लग जाएगा, उससे पहले 2 CPI के आंकड़े अमेरिका के निकल आएंगे, अगले हफ्ते पहला आंकड़ा 10 तारीख को अमेरिका का CPI आ जाएगा, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि जुलाई में क्या नीचे गया है। क्या श्योर है अनिल जी कि 2020 के लेवल पे उनकी पेट्रोल की खपत आ गई है, तो ये जो मोटरिंग सीजन रहता है, उनके इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को सब लोग जाते हैं अपने पेरेंट्स को मिलने, ड्राइविंग होती है बहुत, वो सब कम हुआ, तो ये कीमतों के कारण स्लो डाउन तो आ रहा है उनकी खपत में, क्या वो तब्दील होगा इकोनॉमिक स्लो डाउन में, वो कहना मुश्किल है। और क्या ये आंकड़े आएंगे CPI के 10 तारीख को, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद फेड फ्यूचर्स क्या दिखाते हैं, थोड़ा क्लैरिटी सितंबर की आएगी। बट अभी क्या है, अर्निंग्स अच्छे रहे, इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है, सर्विस इकोनॉमी बढ़ी और मार्केट्स इसके कारण अभी बढ़ते जा रहे हैं, लिक्विडिटी बहुत भरपूर है। और एक आखिरी चीज कहूंगा कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो हमने अपने मंथली प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था अनिल जी, केवल चाइना, सऊदी और ब्राजील, ये 3 कंट्रीज हैं जहां इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में है, बाकी सारी 100 से ज्यादा कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट अभी भी नेगेटिव में, सबसे ज्यादा टर्की में है,
64% नेगेटिव उनका रेट चल रहा कौन है। कौन कौन से तीनों बताइए सर? एक तो चाइना, ब्राजील, तीन और सऊदी 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 अरब। अच्छा सर, ये तीन ही जगह है कि इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव में नहीं है, बस बाकी सब जगह नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव में है, तो आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव है उनके पॉलिसीज, बट बाकी जगह तो न्यूट्रल नहीं है, सब अकोमोडेटिव है। भारत में देखिए, अगर 7% CPI है आपकी और फिर आप कोर निकाल लीजिए, कोर 6% तक होगी और आपका रेट 4.9 है, तो आपका नेगेटिव रेट चल रहा है। कोर के सामने -1.1, CPI के सामने -2.1, तो ये तो एकोमोडेटिव पॉलिसी होती है, न्यूट्रल नहीं है। तो जो पावल ने कहा कि मैं न्यूट्रल हो गया हूँ 2.25 पे, वो ठीक रहता अगर आपकी इन्फ्लेशन 3% 3.25 होती। 9% इन्फ्लेशन पे 2.25% जो उन्होंने कहा, वो लगता है कि उस टाइम पे जर्नलिस्ट के दबाव में वो कह गए। उसके बाद सारे फेड वाले जो आके कह रहे हैं रिसेशन तो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, क्योंकि वाइड स्प्रेड है इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो है, लेबर मार्केट टाइट है, जो वो भी थोड़ा थोड़ा अभी मंदी आ रही है, बट टाइम लगेगा, लेबर मार्केट काफी टाइट है फिर भी। तो सबने यही कहा, बट सब साथ में ये भी कह रहे हैं कि 2% इन्फ्लेशन लाने में और इंटरेस्ट रेट हाइक आएंगे, वो अभी खत्म नहीं हुआ। और जो फेड फ्यूचर एक साल आगे 3.25% दिखा रहा था, वो 3.39 पे आ गया है, तो थोड़ा सा बड़ा है एक्सपेक्टेशन, इतना नहीं है अभी भी, तो मार्केट्स इससे खुश हैं। हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो जब लोगों ने निकाला भी $30 बिलियन, फिर भी हमने होल्ड किया अपना मार्केट, और अब जब वापस आ रहा है तो बहुत तेजी से हमारे मार्केट बढ़ रहे हैं। बट डॉलर का लेवल देखते रहिए, डॉलर 109, डॉलर इंडेक्स जो है 109 से 106 आया, 105 आया, अब फिर 106 आज क्रॉस कर गया, और एक महीने का प्लॉट देखिए तो ऐसे नीचे गया और फिर ऊपर आ रहा है। तो ये क्या सेफ हेवन बाइंग आएगी? अगर ताइवान पे कुछ एक्शन होता है, एकदम से डॉलर में लोग भाग के आएंगे, या चाइना डॉलर एसेट बेचेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? चाइना बहुत सबसे बड़ा विश्व में होल्डर है अमेरिकन ट्रेजरीज का, तो अगर चाइना बोलता है कि ताइवान से पहले अपना पैसा निकाल लो, जैसे रशिया का $300 बिलियन सबने सैंक्शंस के तहत होल्ड किया हुआ है विश्व भर में, चाइना अगर बोलता है मेरा $3 ट्रिलियन का एफएक्स रिजर्व है, वो मैं निकाल लूं, तो मार्केट में कोई बायर नहीं है उस साइज का अनिल जी, सामने कौन खरीदेगा? वो सेंट्रल बैंक्स को ही आके खरीदना पड़ेगा अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए।